एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको बनाने में कठिनाई होगा। इस प्रश्न को यदि आप अपने से सॉल्व करना चाहें तो निश्चित तौर पर आपको कठिनाई होगा, क्योंकि इसमें कुछ आंकड़ा जो है ना, कुछ डेटा वो एसटीपी पर है, जो हम लोगों को आवश्यकता के हिसाब से अपने आवश्यकता के अनुसार लेना होगा। प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की जल में विलेयता एसटीपी पर 0.195 m है, m छोटा है, मोलल है। तो हेनरी नियम स्थिरांक, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच का मान ज्ञात करें, बस इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी के एच का मान निकालना है, और दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड की जल में विलेयता एसटीपी पर दिया हुआ है। ये एक चीज है कि तापमान निश्चित हो गया और एसटीपी पर दिया है, तो इसका एक हम लोगों को फायदा होगा। क्या होगा वो आप देखिए, तो ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम हेनरी लॉ, हेनरी के नियम से देखिएगा, हेनरी के नियम से हम लोग इस प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट का मान भी ज्ञात करना है। हेनरी लॉ कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है तो होता है पार्शियल प्रेशर ना, गैस का जो आंशिक दाब होता है वो समानुपाती होता है उस गैस के विलयन में मोल प्रभाज के, विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जो हेनरी लॉ है उसके हिसाब से, उसके अनुसार जो हम लोगों को एक समीकरण प्राप्त होता है, गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द गिवन सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसका मोल फ्रैक्शन को XH2S मान लिए, समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो आपका यही हेनरी लॉ कांस्टेंट आता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज इक्वल टू KH इंटू XH2S। ध्यान देना है, आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है KH का मान, और KH इज इक्वल टू PH2S, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड डिवाइडेड बाई XH2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें से मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पता नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पता नहीं है। हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच का मान निकालना है, और आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O भी नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S भी नहीं दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S भी नहीं दिया हुआ है, या कहेंगे कि दिया हुआ है, और यहीं पर सावधान हो जाइएगा, एसटीपी जो दिया हुआ है उसी से हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेंगे। तो एसटीपी पर एक बार दाब होता है, एसटीपी पर एक एटीएम दाब होता है, एसटीपी पर एक एटीएम दाब लेते हैं। एक एटीएम दाब को बार यूनिट में लेने पर वो 0.987 bar हो जाएगा, 0.987 bar एसटीपी पर। ये आपके प्रेशर का मान होता है, दाब का मान होता है एसटीपी पर 0.987 bar। तो हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्शियल प्रेशर का मान यहां से लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। एट एसटीपी पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब ऑफ H2S PH2S बराबर 0.987 bar। पार्शियल प्रेशर ऑफ PH2S इज इक्वल टू 0.987 bar। ये एसटीपी पर हम लोग आंशिक दाब का मान लेते हैं, किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के। प्रश्न में और कोई दूसरा गैस दिया हुआ नहीं है, प्रश्न में कोई और गैस नहीं दिया हुआ है, जल में घुलाना है केवल हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो कोई और गैस है नहीं, इसलिए किसी दूसरे गैस के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे नहीं। जितना प्रेशर होगा वो सब का सब प्रेशर किसका होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का।
तो टोटल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बराबर आएगा और वो होगा आपका 0.987 एट एसटीपी पर, 0.987 बार। अब आपको ध्यान में और एक बात, हेनरी लॉ कांस्टेंट का मान निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग एसटीपी के अनुसार लिख दिए 0.987 बार, प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। एक और चीज नहीं दिया हुआ है, मोल प्रभाज H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो मोल अंश निकालने के लिए अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मोल अंश निकालना है, XH2S निकालना है। प्रश्न को हटा दे रहा है यहाँ से, मैं यहाँ से इस प्रश्न को मैं हटा रहा हूँ। तो देखिएगा, तो ध्यान देंगे, XH2S मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S दैट इज XH2S इज इक्वल टू हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या, हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या n मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन सल्फाइड के मोलों की संख्या n प्लस जल के मोलों की संख्या, विलयन में जल के मोलों की संख्या, उसको हम लोग कैपिटल एन मान लेते हैं, कैपिटल एन मान लेते हैं। इस तरह अब मोल प्रभाज हम लोगों का निकल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकल जाएगा एन बाई एन प्लस एन के द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब सुनिएगा थोड़ा सा एक और चीज, ये जो मोलों की संख्या है हाइड्रोजन सल्फाइड का वो नहीं दिया हुआ है, ऐसे तो जल के मोलों की संख्या भी नहीं दिया हुआ है जो विलायक है यहाँ पर, लेकिन वो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ये नहीं दिया है n, तो n नहीं दिया है तो अब क्या करें, n नहीं दिया हुआ है तो अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में, प्रश्न में सोलुबिलिटी दिया हुआ है एट एसटीपी, सोलुबिलिटी दिया है कितना, सोल्युबिलिटी विलेयता दिया हुआ है, सोल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, इन वाटर दिया हुआ है कितना, 0.195 मोल, ये 0.195 m दिया है, मोलल दिया है, मोलल m मोलालिटी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.195 मोल पर केजी, मोललता का छोटा m के जगह मोल पर केजी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, प्रश्न में हाइड्रोजन सल्फाइड का जल में विलेयता दिया हुआ है कितना, 0.195 एम दिया है मोलल, तो 0.195 मोल पर केजी। और इसका मतलब क्या होगा, इन डिटेल लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होगा कि 0.195 मोल H2S घुला है 1000 ग्राम या 1 kg 1000 ग्राम H2O में, यही मतलब है। 0.195 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड घुला है 1000 ग्राम H2O में। तो अब ये 0.195 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड का पता चल गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना मोल, 0.195 मोल पता चल गया। तो यहाँ पर हम लोग 0.195 रख देंगे। अब आते हैं इस कैपिटल एन के जगह पर, विलेय
विलायक के मोलों की संख्या, विलायक कौन है, 1000 ग्राम जल है, 1000 ग्राम जल है। तो आप सभी, हम सभी लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, 1000 ग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी बार निकाले हैं हम लोग, तो पदार्थ की मात्रा ग्राम में 1000 भागा आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा आपका 55.5 न लेकर 55.55 ले लेते हैं, 55.55 मोल ले लेते हैं, ग्राम ग्राम कट गया, मोल बच गया आपका। तो 1000 ग्राम H2O में, 1000 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, पानी के मोलों की संख्या 55.55 मोल आ गया, जिसको कि हम लोग क्या माने हैं, इसी को ना हम लोग क्या कैपिटल N माने हैं। तो कैपिटल N के जगह इतना रखेंगे और इस तरह से XH2S हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जगह अभाव के कारण मैं इसे हटा रहा हूं। अब फाइनल यहां हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखिए तो ये आया 0.195 भागा 0.195 ही प्रश्न में है ना, बार बार 0.195 ही है, भागा 0.195 प्लस 55.55 या 55.5 लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 0.195 भागा जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 5 आएगा, 9, 5, 14 और 5, 1, 6, 1, 7 55.745 आया। और यहां से इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करने पर इसका वैल्यू मैंने लिख रखा है, इसको डिवाइड करने पर हम लोगों का देख लीजिएगा 0.0035 आ रहा है। और मोल प्रभाज का कोई मात्रक होता नहीं है, तो हम लोग मोल प्रभाज निकाल लिए, किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज निकल गया। अब फाइनल आंसर अब ला रहा है, फाइनल आंसर क्या भाई, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का मान निकालते हैं, तो ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड डिवाइडेड बाई एक्स हाइड्रोजन सल्फाइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, पार्शियल प्रेशर 0.987 और हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल प्रभाज 0.0035। मोल प्रभाज का मात्रक होता नहीं है, ये हम लोग लिए हैं बार में, तो हम लोग का मात्रक फाइनली बार में ही आएगा। कैलकुलेट करने पर देखिएगा तो 282 आ रहा है, इसको आप मिला लेंगे ना। तो एक बहुत ही एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है ना, इसको आप निश्चित तौर पर एक बार अपने से भी सॉल्व करके देखिएगा, इसलिए कि इसमें कुछ डाटा गिवन नहीं है ना, ऐसा लगता है जैसे कि अधूरा डाटा दिया हुआ है, तो बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। जय हिंद के साथ मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को इजाजत दीजिए, लेकिन इस न्यूमेरिकल के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि ये न्यूमेरिकल अपने आप में खास है, ये जो आंकिक प्रश्न है ना अपने आप में खास है, तो इसी तरह का मैं प्रयास करूँगा कि एक दूसरा आंकिक प्रश्न भी आपको करवा दूँ। और ध्यान रखिएगा एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है ना, प्रश्न को मैंने बोर्ड पर छोड़ दिया है, एसटीपी कंडीशन दिया हुआ है, तो एसटीपी कंडीशन में हम लोग
जो पार्शियल प्रेशर लिए हाइड्रोजन सल्फाइड का वो कितना लिए हैं, 0.987 bar लिए हैं ना, जो 1 atm के बराबर होता है। धन्यवाद।